मेंटल मैथ क्लास 9th, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो आज की सीरीज में कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 से 35 तक 3 क्वेश्चन रहते हैं, ये इनको आज कर लेते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके अच्छी रैंक लेके आनी, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने, ये फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर बनाई हुई है, ठीक है। और ये इधर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ए बी सी क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों अगर ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो इधर ही कर लेता हूँ मैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके मतलब इसकी सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल होगा बी सी और इक्वल होगा ए सी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें तो क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, बी सी इक्वल ए सी ही ले लेंगे, ठीक है। ए बी को छोड़ देना, बी सी इक्वल ए सी लेना है, तो ये इक्वल होगा और हम इसको करेंगे स्क्वायर में, ठीक है। बी सी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। बी सी, अब बी सी क्या है बच्चों, बी सी का यानी क्या होता है फॉर्मूला, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, जीरो और प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और इक्वल ये ए सी का क्या होगा, ए सी का भी वही होगा, एक्स वन, ठीक है, माइनस एक्स टू होल स्क्वायर और प्लस वाई वन माइनस वाई टू और होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखो एक्स वन, तो अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो B के तो इधर ये देखिए यहाँ पर है, तो जीरो जीरो होंगे, ठीक है। और C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि तो फोर है, ठीक है, X वाला, तो Y वाला जीरो रहेगा क्योंकि X एक्सिस पर है, ठीक है। और साथ ही A का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट रहेगा वो देखिए, हमें ये तो मालूम है कि एक तो टू पे है इधर, ठीक है, X वाला तो है टू पे, और वाई वाला नहीं है, तो उसकी जगह वाई आप लिख लीजिए, ठीक है, ये वाला। आइए करना शुरू करते हैं इस तरीके से। तो एक्स वन, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इधर ही लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए भी इजी हो जाएगा, जीरो और जीरो, अब इधर लिखेंगे फोर और जीरो, पहले एक्स वाला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, टू और ये वाई, ठीक है, तो वाई वाला हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखो एक्स वन और एक्स टू यानी कि ये बी सी, तो एक्स वन क्या है, एक्स वन है जीरो माइनस और ये है फोर, ठीक है, एक्स टू क्या है, फोर है, ये रहा एक्स टू फोर है, तो इस तरीके से, तो होल स्क्वायर और प्लस वाई वन, ठीक है, वाई वन भी इसमें जीरो है और माइनस जीरो, तो इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये लेना है बच्चों ए सी का, ए सी में है एक्स वन और एक्स टू, तो एक्स वन है टू और माइनस और ये एक्स टू क्या है, फोर है, तो फोर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अरे काफ़ी चौड़ी बुक हो गई तो इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो प्लस का साइन वाई वन, वाई वन क्या है, वाई वन तो वाई है हमने लिया है, और माइनस जीरो और होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब माइनस फोर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, सिक्सटीन हो जाएगा, प्लस का जीरो को आप हटा दीजिए, इक्वल, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होते हैं, फोर में से टू माइनस करेंगे माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और वाई को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल, तो इधर ये सिक्सटीन है और ये वाई के साथ लिखा हुआ है, तो माइनस टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, फोर आएगा, फोर को जब सिक्सटीन के साथ लाके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से, और क्या बन जाएगा, ट्वेल्व बन जाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल ट्वेल्व, अब ये जो स्क्वायर है इधर आकर ये स्क्वायर रूट में चेंज कर देना है,
और 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लीजिए, 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6 और फिर 3 से। अब स्क्वायर में क्या करते हैं, रूट निकालने के लिए जोड़ा बनाना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है। तो पेयर तो 2 का बन गया, तो उनमें से एक नंबर लिख लीजिए और जिस नंबर का पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर ही रहने दीजिए। तो ये वाई का आ गया, ठीक है ना। तो पहले तो क्या लिखा जाएगा, एक्स का लिखा जाएगा। एक्स का जो पॉइंट है वो है बच्चों कितना, 2, और वाई का आ गया 2√3, ठीक है। ये ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब यहाँ पर ये आप देखिए नीचे वाला, ठीक है। ये देखो, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विद लेंथ 6 यूनिट, ठीक है, एंड ब्रेथ 2 यूनिट। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो ये जो ओ है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये इधर 1, 2 और ये -3, ठीक है। ये 1, 2 और ये +3 हो जाएगा, और इधर ये 1 और 2, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। ये 2 हो गया और इधर भी 2 है। तो ए का पॉइंट लिखना है, ए का, ए का क्या होगा, पहले एक्स वाला लिखना है, 1, 2, 3, -3 आएगा बच्चों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। तो वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए बी का लिख लेते हैं। बी का पॉइंट क्या होगा, बी का 1, 2, 3, 3 होगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और सी का पॉइंट लिख लेते हैं। सी का क्या होगा, सी का तो पहले लिखना है 3 होगा, और यहाँ पर वाई की तरफ है 2, तो 2 लिख देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और डी, ठीक है, डी के पॉइंट हम देख लेते हैं इधर ये। तो डी का जो होगा, पहले -3 आएगा, ठीक है, एक्स वाला पॉइंट लिखना है, और फिर वाई का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपके पॉइंट आ गए बच्चों, इस तरीके से करना था, बहुत ईजी था। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपके सामने, मैं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 भी कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है, देखो, ट्रायंगल MNP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एन। एन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब जो वाई का जो पॉइंट होगा बच्चों, जो वाई का पॉइंट होगा वो होगा 0। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, वाई वाला पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसको वाई को तो हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो MPN इसकी जो साइड है, MP इक्वल होगी PN के, इक्वल होगी MN के, ठीक है, ये याद रखना। आइए करते हैं, मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर। ट्रायंगल MNP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब इसकी सभी साइड, यानी MP इक्वल होगी PN के और इक्वल होगी MN के, ठीक है ना, ये इक्वल होगी। अब सबसे पहले हमें MP की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। MP की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, X1 माइनस X2, ठीक है। X2 को आगे लिखो या पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है ना। Y1 माइनस Y2 होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो MP इक्वल X1, X1 क्या, 0, और इधर भी है 0, तो 0 को तो आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 को मत लिखिए। फिर है Y1 माइनस Y2, तो 4 और माइनस Y2 भी ये क्या है, माइनस में है, और होल स्क्वायर कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये रूट का साइन, तो क्या होगा, 4 और 4 8, तो 8 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कट गया, तो क्या आ गया, 8 यूनिट आ गई। MP कितनी आ गई, 8 यूनिट, ठीक है। तो MP 8 यूनिट है, और PN भी क्या होगी, 8 यूनिट होगी, ठीक है। सभी साइड इसकी इक्वल होती हैं, ये सभी क्या है, 8 यूनिट की इक्वल आती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये इक्वल आ गई बच्चों, ठीक है। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, इक्वल होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, जो वर्टिक्स होता है, वर्टिक्स से डाला गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर सीधा आ रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अब MP कितनी है, 8 है, हमें PO निकालनी है। तो PO कितनी होगी,
पीओ होगी एमपी की हाफ होगी, एमपी की हाफ होगी यानी 1/2, और एमपी है 8 तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो ये आ गई 4 यूनिट, हम इसी से निकाल लेंगे। और पीएन तो है ही आपके सामने, 8 यूनिट है ही, क्योंकि सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है ट्रायंगल एनओपी, एनओपी, और इसमें इस ट्रायंगल को लेकर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आपका एन का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, एन का पॉइंट आपका आ जाएगा। तो वाई तो है 0 और एक्स, एक्स का हमें वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि आप इसको चाहे तो एक्स और 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए करते हैं, तो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटन्यूज का स्क्वायर यानी पी एन स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी स्क्वायर और प्लस ओ एन स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो पी एन स्क्वायर, पी एन है बच्चों 8, तो 8 स्क्वायर, और ओ पी है 4, 4 स्क्वायर लगा देना है, ओ एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओ एन की। तो अब क्या करना है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और सॉरी इक्वल का साइन, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस ओ एन होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ओ एन को इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 64 लिख लो। अब 16 जो है ओ एन के साथ प्लस की फॉर्म में, इधर आकर ये माइनस की फॉर्म में आ जाएगा ओ एन, तो 48 आ गया, माइनस किया तो इधर स्क्वायर है, इधर आकर ये स्क्वायर रूट में चेंज कर देना। 48 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे इस तरीके से, फैक्टर कर लीजिए 2 से, 2 जा 4, 4 जा 8, 2 जा 2, 2 जा 4, 6 जा 12, 2 से 2, 3 जा 6 और 3 से 3, 1 जा 3। अब पेयर बन रहे, 2 का पेयर बन रहा है, यानी 2 पेयर बन गए, तो इनमें से 1 नंबर बाहर निकालना है, एक पेयर में से 1 नंबर, सेकंड पेयर में से भी 1 नंबर, और जिस नंबर का पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। तो 2 जा 4 और ये रूट आ गया 3। अब ये बच्चों ये पॉइंट आ गया, एक तो पॉइंट आपके सामने है, एक पॉइंट तो आपके सामने है वाई वाला 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब वाई का क्या होगा 0 होगा। तो एन का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा, तो पहले एक्स का पॉइंट लिखना है जो आया 4√3, और फिर लिखना वाई का, तो ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।